बड़ी खबर आ रही है पीएफआई से जुड़ी हुई, और ये कहा जा रहा है बड़ी साजिश पीएफआई की तरफ से रची जा रही थी, जिसका खुलासा हुआ है। देश में पीएफआई की साजिश का बड़ा खुलासा सामने आ रहा है, और ये खुलासा ये कि उत्तर प्रदेश के युवक जो है उन पर पीएफआई की नजर थी। सरतन से जुदा टेरा मॉड्यूल को लेकर यह अहम खुलासा सामने आ रहा है। अब पीएफआई के टारगेट पर उत्तर प्रदेश के युवक थे, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। अरविंद ओझा जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए अर्पिता मैं आपको बताऊं कि लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। फुलवारी शरीफ के बाद 7 जुलाई को जो तेलंगाना पुलिस है उसने कई पीएफआई कैडर को अरेस्ट किया था, जिसमें एक ट्रेनर था जो पीएफआई के लोगों को ट्रेंड करता था छोटे आर्म्स चलाने की, स्टोन पेल्टिंग करने की। उससे पूछताछ के बाद जो तेलंगाना पुलिस है और एजेंसियों ने बड़ा खुलासा ये किया है। पहला खुलासा, अहम खुलासा ये है कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, अब उस पर जब बैंक का खतरा मंडरा रहा है तो उसने कई अलग अलग छोटे विंग बना लिए हैं, जिसमें एसडीपीआई है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, नेशनल वुमेन ऑफ इंडिया है। तो इस तरह से अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बना करके अब जो अपना प्रोपेगेंडा है वो फैला रहा है। साथ ही साथ जो पीएफआई है, अब वो जो छोटे मदरसे हैं, स्कूल कॉलेज और मुस्लिम बाहुल इलाके, वहां पर लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके से स्टोन पेल्टिंग करनी है, किस तरह से जो छोटे छोटे प्रोटेस्ट है उसमें दंगा भड़का देना है, इस तरह की प्लानिंग, ये एक तरीके का, ये आप कहें तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसका खुलासा लगातार, चाहे फुलवारी शरीफ आप देख लें, वहां पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं वो अरेस्ट हुए, उनके बाद खुलासा हुआ है। वहां पर भी ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा था। साथ ही साथ अगर दक्षिण भारत की बात करें, चाहे तेलंगाना, वहां पर भी ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा था। तो कुल मिलाकर ये बात की जाए तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अब अगर एजेंसियों की माने तो एक बड़ी चुनौती बन चुका है। और अगर खुलासा अभी ताजा ये हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया में ही 200 से ज्यादा लोगों को ट्रेंड किया गया है, जिसमें मार्शल आर्ट से लेकर जो छोटे हथियार हैं उनको चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है वो बार बार इन तमाम आरोपों को झुठलाता रहा है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। आरोप ये है कि ये संगठन लोगों को बरगलाकर उनका ब्रेन वॉश कर रहा है और दंगा भड़काने के लिए, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसा रहा है। यानी आप ये बता रहे हैं कि ये खुलासा हुआ कैसे, तेलंगाना पुलिस की कोर्ट डायरी से खुलासा हुआ है अरविंद, और ये भी बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश के ही युवक इनके निशाने पर थे या तैयारी इनकी कहीं और जगहों पर भी थी? ये देखिए आपको बताऊं, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उसकी शाखाएं लगभग लगभग भारत के हर राज्य में मौजूद है, जिसमें अगर आप देखिए तो आज बिहार के जो फुलवारी शरीफ में जो खुलासा हुआ उसके बाद वो खुलासा लगातार बढ़ता चला गया, और उसी क्रम में तेलंगाना में जब छापेमारी की गई तो अब्दुल कादिर नाम के एक शख्स को अरेस्ट किया गया। सबसे पहले जो ट्रेनर था, जो मार्शल आर्ट का ट्रेनर था, उसके बाद एक के बाद एक सीरीज गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद जब पूछताछ हुई तो जो कोर्ट जो रिमांड पेपर की कॉपी जो आज तक के पास मौजूद है उसमें बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ये संगठन जो पैसा है वो तो ये कहता है कि जो सोशल वर्क है उससे जुटाता है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल एंटी इंडिया एक्टिविटी में होता है। ये खुलासा खुद कोर्ट के अंदर जो तेलंगाना पुलिस है उसने किया है, और उसके अलावा लगातार ये बताया है कि किस तरह से मीटिंग्स इनकी हो रही है, उसमें बकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है, मार्शल आर्ट, कुंग फू कराटे की, पत्थरबाजी की ट्रेनिंग दी जा रही है, शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट है उसको किस तरीके से भड़का देना है और दंगा फैलाना है, ये खुलासा किया। साथ ही साथ साउथ इंडिया में 200 से अधिक लोगों को अब तक ट्रेंड किया जा चुका है, ये भी खुलासा किया गया है। और साथ ही साथ जो गैर मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ जो है जहर वो पीएफआई जो है भर रहा है, ऐसा कोर्ट में ये खुलासा हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो पहले फुलवारी शरीफ में अगर आप देख लें तो पीएफआई का मॉड्यूल बस्ट हुआ, उसके बाद तेलंगाना में एक के बाद एक मॉड्यूल बस्ट होता चला जा रहा है। अरविंद जरा ये बताइए, क्योंकि ये भी खबरें आप बता रहे हैं कि बचने के लिए कई संगठन इन्होंने बनाए थे, उसकी क्या तैयारी थी, कैसे संगठन, कैसे बचने का प्रयास था इनका?
जी देखिए आपको बताऊं, अगर CAA और NRC प्रोटेस्ट की बात की जाए, उस दौरान जो दंगे हुए थे, लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सामने आ रहा था। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो की ने भी बकायदा अलर्ट किया था, उसकी कॉपी भी आज तक के पास मौजूद है। लेकिन इस रिमांड पेपर की कॉपी में बकायदा लिखा हुआ है कि किस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अब वो अलग अलग नए नाम से ऑर्गेनाइजेशन पहले से खड़ा कर चुका है। यानी अगर PFI को अभी बैन कर दिया जाता है तो भी PFI का जो एजेंडा है वो काम करता रहेगा, जिसमें कुछ एक नाम भी दिए हुए हैं, जिसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये पॉलिटिकल विंग है PFI का, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ये स्टूडेंट विंग है, नेशनल वुमेन ऑफ इंडिया वुमेन विंग है, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिलिंग। तो इस तरह के कई जो एक ग्रुप बना दिए गए हैं कि अगर अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया जाता है तो भी जो उसका प्रोपेगेंडा है या उसकी जो एजेंडा है वो फैलाते रहेंगे।